हे गाइस, वेलकम टू माय वीडियो। सो गाइस, एक रिफ्यूजल केस है। थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आया इन्होंने जो भी शेयर किया, बट लेकिन बहुत अजीब सा रिजेक्शन था, तो ऐड कर दूंगा, एक सेंस पढ़ लेना आप। तो सर, मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो गया, वीज़ा बिकॉज वीज़ा ऑफिसर फालतू में रिजेक्ट कर दिया, बोला कोर्स रेलिवेंस नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन पूछा, फर्स्ट क्वेश्चन एडमिट के बारे में, सेकेंड क्वेश्चन यूनिवर्सिटी नेम प्लस कोर्स। देर आर टू ऑफिसर थे साथ में, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों इंटरव्यू ले रहे थे, देन क्यों ऐसा क्यों हुआ मुझे नहीं पता। मेरे पासपोर्ट ट्रे में रख दिया, देन फिर उसकी वाइफ ने रिजेक्शन बोला, आप क्लियर नहीं हो, बोलो कोर्स रिलेवेंट नहीं है आपका, बैचलर्स में कंप्यूटर साइंस लेना आपने, मतलब उन्होंने कंप्यूटर साइंस ले लिया था। एंड फिर थोड़ा उसी डिटेल में पूछा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा, दिल्ली काउंसलेट था। सो मैं फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि एक कपल इंटरव्यू ले रहा है, मैंने कभी नहीं देखा कि दो जने एक साथ इंटरव्यू ले रहे हैं, और ये बोल रहे हैं कि जो हस्बैंड था उन्होंने मेरा ट्रे में पासपोर्ट रख लिया था, बट जो उनकी वाइफ थी उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। मतलब बहुत अजीब सा केस है, मुझे खुद को समझ में नहीं आया, मतलब एक कपल कैसे ले सकता है। फर्स्ट टाइम मैं ऐसा सुन रहा हूँ, मैं तो अभी तक जितना भी एक्सपीरियंस आया मैंने यही देखा कि एक सिंगल इंसान ही हमेशा इंटरव्यू लेता है, कभी कुछ भी रेयर चीज़ें हो जाती हैं यूएस के इंटरव्यू टाइम पे, कभी कोर्स, कभी कुछ, कभी एज पे, मतलब इन एक्सपीरियंस से ना बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मुझे भी मिल रहा है और आप सबको मिल रहा है जब ये सारी वीडियोज़ देखते हैं, कि इससे पता लग रहा है कि कभी कुछ हो सकता है तो आपको बहुत प्रिपेयर होना चाहिए हर चीज़ के आंसर्स के लिए। तो जैसे कि मैं आपको बोलता हूँ कि हमेशा प्रिपेयर होकर जाओ, अपने सेंसेस यूज़ करो जब आप आंसर करो। मान लो कि आपने कोई क्वेश्चन प्रिपेयर नहीं किया या कुछ भी ऐसा पूछ लिया जो आपको नहीं पता है, तो मैं यही बोलता हूँ कि आप थोड़ा सा अपना ना एक अच्छे तरीके से आंसर करने की कोशिश करो, क्योंकि क्या होता है, आप जैसे इनसे क्वेश्चन पूछा, अब मतलब जो उनका मतलब हस्बैंड थे वो रेडी थे वीज़ा देने के लिए, बट उनकी वाइफ जो साथ में इंटरव्यू ले रहे थे उनको वीज़ा देना चाहते और गुस्सा भी हो गए थे, ऐसा कुछ है। तो मैं स्क्रीनशॉट ऐड करूँगा, वो देखना आप। तो हमेशा रेडी रहो, कभी भी कुछ भी आपके साथ एक्सपीरियंस हो सकता है। ये यूएस है, मुझे खुद को ही नहीं पता क्या चल रहा है क्या नहीं है। कभी कभी आप पूरे परफेक्ट हो तब भी वीज़ा रिजेक्शन मिल जाता है, कभी आप परफेक्ट भी नहीं तब भी आपको वीज़ा एक्सेप्टेंस मिल जाता है, एंड दैट इज़ ट्रू। मेरे साथ बहुत सारे एक्सपीरियंस में जो शेयर कर रहा हूँ आप लोगों को भी मिल रहे होंगे कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। सो गाइस, ऐसे वीडियोज़ लाता रहूँगा, नए नए एक्सपीरियंस आ रहे हैं। अगर आप वीडियो देखते हो तो आपको बहुत हेल्प मिल रही होगी विद आंसर्स एंड एवरीथिंग, और नए नए एक्सपीरियंस पता चल रहे होंगे। अगर आपको आपके एक्सपीरियंस शेयर करने, आप इंस्टाग्राम पे एक्सपीरियंस शेयर करते हो, यूजर नेम ऊपर आ रहा है, डिटेल में कर दो, मैं थ्रू वीडियो सबको शेयर करूंगा, इससे सबकी हेल्प हो सके और हम सब यूज जा सके अपने स्टडीज करने के लिए। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।